नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे देवरिया की, जहां छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप में पुलिस और मंचलों के साथ मुठभेड़ में दो को लगी गोली। और दिखाएंगे फिरोजाबाद में कैसे नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे सूरजपुर की, जहाँ संपूर्ण अभियान कार्यक्रम का हुआ समापन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कस्बे में बीते दो दिन पहले छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों को पुलिस ने धर दबोचा है और उन पर अटैक फायरिंग भी हुई है। गोली लगने के बाद आरोपियों को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दिनांक 4/10/2024 को थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना तरकुलवा पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज यह सूचना मिली कि यह अभियुक्त सिरसिया मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उनकी घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई, उसमें दो अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। देवरिया से सीनियर संवाददाता चंदन राजभर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के दूसरे निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा मुठभेड़ के दौरान नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी दीपक उर्फ मुल्ला मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कार्रवाई की है। देखिए, यहाँ थाना शिकोहाबाद में अभी गश्त के दौरान, जब शिकोहाबाद इनकी थाना पुलिस यहाँ बम्बा किनारे जो आमरी रोड है, इस पर गश्त कर रही थी, इधर ही इनको सूचना मिली थी कि जो कल एक घटना हुई थी थाना शिकोहाबाद में, जिसमें एक बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें पुलिस कल से लगातार प्रयासरत थी। तमाम CCTV फुटेज और उसके आधार पर उसमें एक व्यक्ति की पहचान पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसको जो विक्टिम से भी देख पाया गया था, उसने भी उसकी पुष्टि की थी। इसका नाम दीपक उर्फ मुल्ला के रूप में उसकी पहचान हुई थी, जिसकी पुलिस बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सूचना मिली थी कि वो इसी क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है। इस दौरान पुलिस जब इस यहाँ से गुजर रही थी, तो अचानक उसको देख के पुलिस ने जब उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया है। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ है, उसे तत्काल यहाँ से उपचार के लिए भिजवाया गया है। बाकी से अभी और विस्तार से उसे पूछताछ की जाएगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी धौरहरा के नेतृत्व में 6 अक्टूबर की प्रातः ग्राम सरसवा में थाना खमरिया एवं थाना धौरहरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो अभियुक्तों गुलशेर पुत्र सोनू खिलाड़ी व वकील अहमद पुत्र तनवीर अहमद को गिरफ्तार किया था, जिसमें शेष दो अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे। उक्त प्रकरण से संबंधित फरार दोनों अभियुक्तों के संबंध में सूचना थाना ईसानगर पर प्राप्त हुई और उस दौरान ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जो ईसानगर में मुठभेड़ की घटना हुई है, उसके बारे में बताइए। आज ईसानगर पुलिस और स्वाट टीम को शाम को 9 बजे 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि जो सुबह धौरहरा में मुठभेड़ हुई है, उसमें जो बदमाश भागे हैं वो बैराज जाने के लिए जालिम नगर पुल के पास खड़े हुए। इस सूचना पर स्वाट टीम और SO ईसानगर की टीमें वहाँ पर पहुंची और वहाँ जाकर के देखा तो 3 बदमाश रोड पर खड़े हुए थे। पुलिस की गाड़ी देख करके वो भागने लगे तथा पुलिस और स्वाट टीम के प्रभारी द्वारा इसको होकर टोका गया, लेकिन ये नहीं रुके और पुलिस पर जाओ फायरिंग करने लगे। जब फायरिंग करने लगे तो पुलिस ने देखा कि ये लोग बदमाश पुलिस पर फायर करते जा रहे हैं, तो इस पर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और दो बदमाश भागने में सफल हुए तथा बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। इसको इलाज हित CSC के लिए रवाना किया गया है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। भारत स्काउट गाइड ब्लॉक इकाई का 3 दिवसीय द्वितीय सोपान शिविर
प्रेमनगर के नवापारा कला में आयोजित किया गया था, जिसमें विकासखंड के 11 हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय के 161 स्काउट गाइड ने भाग लेकर स्काउटिंग गतिविधियों के बारे में अनेक जानकारियों को प्राप्त किया। इस शिविर में जिला प्रशिक्षक के रूप में जिला काउंसलर गोवर्धन सिंह, नंद कुमार सिंह, कौशल्या मलिक, सरिता गोस्वामी, ब्लॉक प्रशिक्षक स्काउटर राम बिहारी सिंह, मोहन नेताम आदि लोगों ने शामिल होकर स्काउट गाइडिंग को स्काउटिंग की शिक्षा दी। द्वितीय सोपान शिविर में प्रतिदिन सुबह सबसे पहले नित क्रिया के बाद BP6 कराया गया, जिसमें बेडेन पावेल के 6 व्यायाम शामिल हैं, जो सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। स्काउट गाइड का मूल मंत्र समाज सेवा है, इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। इसका आदर्श वाक्य तैयार रहो है, जिससे स्काउट गाइड के अंदर ऊर्जा रहती है और किसी भी कार्य को करने में त्वरित तैयार हो जाते हैं। शिविर के अंतिम दिवस शाम को ग्रैंड कैंप फायर करते हुए अनेक मनोरम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्काउट गाइड के छात्रों के द्वारा की गई, जो मंचासीन अतिथियों का मन मोहती नजर आई। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान का समापन समारोह 6 अक्टूबर को जनपद पंचायत प्रतापपुर के मांगलिक भवन में आयोजित किया गया। इस आयोजन में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, NRLM और शिक्षा विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप, ICDS विभाग द्वारा पोषण मेला, कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण एवं NRLM विभाग द्वारा वोकल फॉर लोकल के आकांक्षा ब्रांड उत्पादकों का स्टॉल लगाकर प्रमोट किया गया। स्कूली विद्यार्थियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही संपूर्णता अभियान से लाभान्वित नागरिकों ने अपनी सफलता की कहानी को साझा किया। समापन समारोह में संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितम्बर तक के तहत चिन्हित 6 इंडिकेटर्स पर उत्कृष्ट कार्य हेतु ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को CEO, जिला पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सीनियर्स भारत।